हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड के गुलाब जामुन। तो देखते हैं किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैंने 8 ब्रेड लिए हैं, 8 पीस। इसके किनारों को मैंने काट लिया है। आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर, 10 से 15 किशमिश लिया है मैंने, 1 कटोरी शक्कर है, आधी कटोरी मिल्क पाउडर है, 1 कटोरी दूध है, ऑयल मैंने तलने के लिए लिया है और पानी लिया है सीरा बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रेड को बाउल में ले लेंगे और हाथों के ज़रिए छोटे छोटे टुकड़े करेंगे इसके। इसको छोटे छोटे पीस में इस तरह कर लेंगे। अब दूध को थोड़ा थोड़ा करके इस तरह डाल के हमें इसको गूंथना है। इकट्ठे दूध नहीं डालना है। और साथ में मिल्क पाउडर जो हम लिए थे वो भी डालेंगे। इस तरह हम गूंथ लेंगे इसको। जितना दूध की आवश्यकता हो उतना ही डालें, इकट्ठे ना डालें। तो इस तरह हम डो तैयार कर लेंगे। इसमें 7 से 8 चम्मच दूध लगे हैं। इस तरह मसल मसल के सॉफ्ट डो तैयार हो गया। तो चलिए अब इसको बनाते हैं गोले आकार में। इसको देखिएगा, ऐसे गोला करने पे दरार ना आए, नहीं तो आपके गुलाब जामुन फट जाएंगे तेल में। एकदम इस तरह से चिकना कर लीजिए। हथेलियों पे ऐसे लेके इस तरह गोल गोल घुमा के हल्का सा प्रेशर देके इस तरह बना लीजिए। फिर इसको हल्का से ऐसे चिपटा करके इसमें हम किशमिश डालेंगे। इस तरह बीच में किशमिश डाल के फिर इसको धीरे से हम बंद कर देंगे। फिर हथेलियों के से इस तरह गोला आकार में कर देंगे। डो हमें ज़्यादा न बड़ा लेना है न छोटा है, इस तरह नींबू के आकार का बनाना है। देखिए इस तरीके से हमें बनाना है। तो इसी तरह हम सब बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम गुलाब जामुन सारे बना लिए हैं। अब चलते हैं तलने के लिए। तो सबसे पहले हम टोप रखेंगे और गैस ऑन करेंगे। इसमें डालेंगे सीरा के लिए पानी और शक्कर जो हमने लिया था। इससे ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है, बस एक तार की चाशनी बनानी है। हाफ ग्लास पानी हम और डालेंगे। जितना शक्कर था उसका 1.5 गुना पानी है। तो जब तक पक रहा है हम चलते हैं गुलाब जामुन तलने के लिए। इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे, इससे खुशबू अच्छी आती है। आपकी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, केसर भी डाल सकते हैं, कलर अच्छा आता है केसर से। लेकिन मेरे पास केसर नहीं है तो मैंने नहीं डाला है।
तो हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है गुलाब जामुन तलने के लिए। अब इसमें ऑयल डालेंगे। आँच को थोड़ा तेज रखेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम मीडियम करेंगे। अब देखिए तेल गर्म हो चुका है, इसको अब हम मीडियम पे करेंगे। मीडियम फ्लेम कर देंगे और गुलाब जामुन डालेंगे। एक एक गुलाब जामुन इस तरह धीरे धीरे डालिए आराम से। अब गैस को थोड़ा फ्लेम तेज करेंगे। इसे हमें गरम तेल में ही तलना है। तेल एकदम गरम हो जाए फिर इस फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। इस तरह एक एक को इस तरह ब्राउन होने तक तल लीजिए। इस समय मैंने फ्लेम को थोड़ा तेज किया है, फुल फ्लेम पे है, क्योंकि मेरा तेल ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था, मैंने पहले ही डाल दिया था। और मेरा सीरा भी बस बन के रेडी है। तो देखिए सीरा तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे सीरा का। अब फ्लेम थोड़ा सा स्लो करेंगे क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म हो गया है। इस तरह से हल्का हल्का जलने न पाए, हल्का हल्का ब्राउन हो जाने पे निकाल लेंगे। ज़्यादा फ्लेम होने पर भी आपके गुलाब जामुन जल सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा फ्लेम पे ध्यान दीजिए। तो अब हमारे गुलाब जामुन देखिए बढ़िया से तल चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो देख सकते हैं आप, कितना प्यारा लग रहा है। तो देखिए हमारा सीरा भी तैयार हो गया है। सीरा ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो गुलाब जामुन सीरे को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो सीरा हमें बस पतला ही रखना है, बस एक तार की होनी चाहिए सीरा। तो चलिए अब हम डालते हैं गुलाब जामुन। इस तरह एक एक करके डाल दीजिए। और एक से दो मिनट तक इसे हम थोड़ा सा बॉईल होने देंगे ताकि ब्रेड में गुलाब जामुन में सीरा एब्जॉर्ब हो जाए। ज़्यादा नहीं करना है, बस एक दो मिनट, फिर इसे हम बंद कर देंगे गैस को। बस हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। तो देखिए ये हमारा गुलाब जामुन रेडी है। अब इसको हम सर्व करते हैं। देखिए हमारा टेस्टी गुलाब जामुन बनके रेडी है। अब हम देखते हैं काट के कि अंदर कैसा है। तो चलिए काट के देखते हैं। वाव, बहुत ही अच्छा बना हुआ है गुलाब जामुन। आप देख सकते हैं एकदम स्पंजी और अच्छा गुलाब जामुन बना है। तो अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली को शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।